بسم الله الرحمن الرحيم आज 12 दिसंबर है, दिन है सोमवार का और मैं हूँ मोहम्मद तुफैल शाद। हाज़रीन असामीन सलाम अलैकुम। मेरे पिछले 11वें दर्स में क़यामत के अज़ाब के बारे में 7:38 में सूरा आराफ की 38 आयत में हमने बयान किया था क़यामत का अज़ाब। इसमें कुछ नुकात की वजाहतें बाकी थी, आज भी उसमें एक छठी वजाहत है, वो मैं वहाँ से शुरू करता हूँ जो बाकी है। तो वो थी 7:38 में वलाकिन ला तालमून के अल्फाज में इस्तेहसाल करने और इस्तेहसाल होने वाले के लिए मुसावियाना अजाब की खबर पर पैदा होने वाले इस सवाल का जवाब दिया गया है कि जब इस्तेहसाल होने वालों का कसूर कोई नहीं, कसूर सारा इस्तेहसाल करने वालों का है कि उन्होंने सादा लोग अवाम का इस्तेहसाल किया, उन्हें नुकसान पहुँचाते रहे, उन्हें मुसलसल कमज़ोर और गरीब रखते चले गए, तो इस पर इस्तेहसाल होने वालों को क्यों अजाब दिया जाएगा? वो बेचारे दुनिया के अजाब मोहताजी और गरीबी में भी मुबतला रहे और क़यामत को भी अजाब के मुस्तहिक ठहरे, ये तो इंसाफ का खून करने के मिस्ताक है। ऐसे अमल को अल्लाह की तरफ मंसूब नहीं किया जा सकता। तो सामईन कराम, जवाब अर्ज है कि अगर मज़कूरा दोनों का कसूर सिर्फ ये तस्लीम किया जाए कि एक जमात ने गुमराह किया और दूसरी गुमराह हो गई, तो इसमें बज़ाहर गुमराह होने वाली का तो कोई कसूर मालूम नहीं होता, बतौर कसूरवार गुमराह करने वाली ही सामने आती है। मगर याद रहे कि गुमराह होने वालों का कसूर ये है कि उन्होंने अल्लाह ताला की अता करता अक्ल व बसीरत से काम ना लेने का जुर्म करके बिला सोचे समझे गलत रास्ता इख्तियार कर लिया, इसलिए बराबर के मुजरम ठहरे। इसी तरह इस्तेहसाल होना भी गुमराही की एक शिक है कि गुमराह करने वालों ने ये अकीदा भी बतौर इस्लाम दे दिया कि भूख नंग और खुशहाली सब अल्लाह ताला की दी हुई होती है, वो जिस हाल में रखे उसका शुक्र अदा करते रहो। वाज़ह रहे कि भूख नंग को अल्लाह ताला की देन जानना उसकी सिफ्त रब्बुल आलमीनी का खुला इनकार है। इस तरह इस्तेहसाल होने वाले अगर इस्तेहसाल जदगी को जुज़्वे ईमान करार दे दें तो बराबर के मुजरम ठहरते हैं। सामईन कराम, इससे पहले भी मैंने वजाहत कर दी थी कि कौम बनी इसराइल को आले फिरौन की इस्तेहसाल जदगी से निकालने के लिए हज़रत मूसा सलामुल्लाह ने उनके मुसावियाना हकूक़ रबूबियत का ऐलान फरमाया। कौम इस पर ईमान लाई और उसके ख़िलाफ़ एक लंबी तहरीक चलाने के बाद कामयाब हुई। जो लोग अपने हकूक़ रबूबियत से दस्तबरदार होकर ज़िल्लत व ख़ारी, ग़ुलामी, नदारी और इस्तेहसाल जिंदगी को खुदाई दीन तस्लीम करके इस पर मुतमईन हो जाते हैं कि वो दुनिया में भी ज़िल्लत और इस्तेहसाल जिंदगी के अजाब में मुबतला रहते हैं और क़यामत को भी उन्हें इस्तेहसाल करने वालों के बराबर सजा दी जाएगी। सामईन कराम, हम असल मकसद की तरफ अब आते हैं।
कि मसला इस्तेहसाल के ज़मन में हम बहुत दूर निकल आए हैं। इसलिए अपने दर्स की तरफ रजू करते हुए अर्ज गुजार हैं कि सिलसिला दर्स की पिछली आयत मजीदा में क़यामत का ज़िक्र आया है कि जहन्नम में पिछले लोग पहले लोगों के मतलब कहेंगे कि ये गुमराह करने वाले हैं, बारे इलाहा इन्हें दुगना अजाब दे। उनका जवाब सूरा इराफ की 39 आयत जो अभी मैं आपके सामने बयान करने वाला हूँ उसमें दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वकालत उलाहुम ले उखराहुम बिमा कानू लकुम अलैना मिन फजल फजूकुल अजाबा बिमा कुंतुम तकसिबून। गुमराह करने वाली यानी उनमें से पहली जमात पिछली यानी गुमराह करने वालों को कहेगी, बस तुमको हम पर क्या फजीलत है कि तुम्हें कम अजाब दिया जाए और हमें तुमसे दुगना अजाब दिया जाए। बस तुम अपनी उन करतूतों की सजा का अजाब चखो जो तुम करते रहे थे। इसमें सामीन कराम इस आयत के आखिर में लिखा हुआ है बिमा कुंतुम तकसिबून। ये इन अल्फाज ने गुमराह होने वालों और इस्तेहसाल होने वालों को गुमराह करने और इस्तेहसाल करने वालों के बराबर के अजाब का मुस्तक होने का नहायत खुलकर वजाहत कर दी है कि उन्हें जो अकायद दिए गए जिनके मुताबिक वो बद अमालियों से बाज न आए, इस पर उन्होंने गौर तक नहीं किया कि वो कौन सा सिरात मुस्तकीम है जो बुराइयां करते चले जाने की खुली छुट्टी देता है। क्योंकि गुमराह करने वालों का करीबन हर मसलक में यही एक नज़रिया है कि तुम्हारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। इस अकीदा के मुताबिक दलेराना बद अमालियाँ की जाती हैं। इस तरह सिरात मुस्तकीम के नाम से गलत रास्ते पर लगा कर, चूँकि गुमराह करने वाले और गुमराह होने वाले नीज इस्तेहसाल करने वाले और इस्तेहसाल होने वाले सब बद अमालियों में बराबर के शरीक होते हैं, इसलिए दोनों को अजाब में बराबर के शरीक करार दिया गया है। सामईन कराम, सिलसिला दर्स की अगली आयत पर इस असली आयत इससे आगे वाली आयत में पुर गजब ऐलान कर दिया गया है कि मुकज़्ज़िबीन आयात इलाही और तकबर करने वाले जन्नत में हरगज दाखिल नहीं होंगे। इन्नल्लज़ीना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफ्ताहु लहुम अबवाबुस समाअ वला यदखुलूनल जन्नता हत्ता यलजल जमलो फी सम्मिल खियात व कज़ालिका नज़्ज़िल मुजरिमीन। बगोशे होश सुन लो, यानी होश में आके सुन लो, बिलाशुबा जो लोग हमारी आयतों को झुठलाते हैं और उनकी अमलन मुखालफत करके उनसे तकबर करते हैं, उनके लिए आसमान के दरवाजे यानी रहमत के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे और वो हरगज हरगज जन्नत में दाखिल नहीं होंगे जब तक कि सुई के नाके में से मोटा जहाजी रस्सा ना गुजर जाए और हम इस तरह मुजरमों को उनके जुर्मों की सजा देंगे, उन्हें हरगज जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा। इस आयत में सामईन कराम जो नुक्ता है काबिले वजाहत वो यह है, ला तुफत्ताहु लहुम अबवाबुस समा के अल्फाज ये मुहावरा के तौर पर आए हैं जो दुनियावी खुशहाली और खुशगवारी के लिए आते हैं जो दुनिया में कायनाती आयात करीमात पर अमल करने से मुयसर आती हैं
और उखरवी जन्नत की नेमतें अल्लाह ताला की तंजीली आयात, तंजीली आयात से मुराद है जो नाजल करदा आयात हैं, यानी कुरान करीम जो है ये तंजीली आयात हैं। तंजीली आयात करीमात पर अमल करने से मुयस्सर आएंगी। दुनिया में ज़री खुशहाली सहीफ़ा फितरत की ज़री आयात, ज़री क़वानीन पर अमल करने का नतीजा होती है और सनती तरक्की सनती क़वानीन कायनात पर अमल करने की मरहून मिन्नत है। नीज़ इस आयत मजीदा में हत्ता यलजल जमलो फ़ी सम्मिल ख़ियात का जुमला महाल ताम, यानी सख्त शिद्दत के तौर पर आया है कि जिस तरह सुई के नाके में से मोटे जहाज़ी रस्से का गुज़रना महाल है, यानी सुई के नाके से वो मोटा रस्सा नहीं गुज़र सकता, इसी तरह अल्लाह ताला की आयतों का ज़हनी इनकार और अमली इस्तकबार यानी अमली तौर पर गुरूर करने वालों का उखरवी जन्नत में यानी हिंदी जन्नत हिंदी हेयर आफ्टर में दाखला भी महाल ताम है, यानी सख्त मुश्किल है कि ऐसे लोग जन्नत में दाखिल हो जाएं। वो कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेंगे जब तक तौबा करके आयात इलाही के इनकार और इस्तकबार से बाज ना आ जाएं। तो सामईन कराम, कुरान करीम ने तफसीरुल कुरान बिल कुरान में, यानी कुरान करीम की तफसीर कुरान करीम के अंदर ही से मुतअद्दद मकामात पर इस अमर की वजाहत कर दी है कि आयत इलाहिया दो किस्म पर मुनकसिम है, तंजीली और तकवीनी। सामईन कराम इसको ज़रा अच्छी तरह समझ लें। तंजीली वो हैं जो कुरान करीम में मौजूद हैं क्योंकि ये नाजल करदा हैं, और तकवीनी वो हैं जो हर आन कायनात में जारी और सारी हैं। तकवीनी का मतलब है वो आयात जो कायनात में कुन फाया कुन, जब अल्लाह ताला ने कुन कहा तो वो फाया कुन हो जाए और उस वक्त से लेके वो कायनात में जारी और सारी हैं। इन दोनों की मुखालफत दुनिया में भी मूजबे जिल्लत है और आखिरत में भी मूजबे अजाब होगी। सामईन कराम, रबते कलाम की रूह से पिछली आयत मजीदा 7:40 में खबर दी गई है कि मुजरमों को जन्नत में हरगज दाखला नहीं मिल सकेगा, मगर इसमें बिला तोबा और इस्लाह का मफहूम जो है वो महजूफ है। इस्लाह का मतलब रिफॉर्म। अगली आयत मजीदा में इन्हीं के मतलब खबर दी गई है कि वो जहन्नम में इस हालत में होंगे। 7:41 लहुम मिन जहन्नमा मिहादुम व मिन फौकहिम गवाशिन व कज़ालिका नज़्ज़िज़ ज़ालिमीन। उन मुजरमों के लिए बिछौना भी शिकस्त व नाकामी की आग में जलने के अजाब का होगा और उसमें उनका ओढ़ना भी इस जलन के अजाब का होगा। तो मज़कूरा बाला तरीके ही से हम नारवा काम करने वालों यानी जालमों को बदला देंगे। सामईन कराम, जहन्नम की वजाहत तीन बटा बारह में ये पहले गुजर चुकी है, यानी सूरत नंबर 3 और उसकी आयत नंबर 12 में। मैं उसको फिर से दोहराए देता हूँ। शिकस्त और नाकामी की आग, अरबी जबान में जहन्नम का माना लिया जाता है गहरी तय वाला कुआं। अरबी जबान में जहन्नम का माना लिया जाता है गहरी तय वाला कुआं। इस तरह गहराई और पस्ती के रबत के मुताबिक
3:12 में जहन्नम का माना शिकस्त और नाकामी की जिल्लत और पस्ती ही सही है। अगली आयत मजीदा में ईमान लाने और इस्लाह मुआशरा के काम करने वालों, इस्लाह मुआशरा मतलब टू रिफॉर्म द सोसाइटी, उन लोगों के काम करने वालों के मुतल्लिक इरशाद हुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाते ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा उलाइका असहाबुल जन्नते हुम फीहा खालिदून। इसका मफहूम, और जो लोग आयात इलाही पर ईमान लाएं और इस्लाह मुआशरा के काम करें, यानी दोज पीपल हु रिफॉर्म द सोसाइटी विद विच द सोसाइटी बिकम्स बैलेंस्ड, और इस्लाह मुआशरा के काम करें जिनसे मुआशरा मतवाजन हो जाए, हम किसी जान पर भी उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालते, वही जन्नत वाले हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। सामईन इकराम, जुमला मोतर्जा की अहम कुरानी मिसाल। इस आयत मजीदा के मतन और उसके बिलमुकाबल मफहूम में एक जुमला मुतर्जा है, यानी अल्लाज़ीना आमनू के बाद आमिलुस्सालिहात की कुरानी पाबंदी का जो इंसानी ज़ेहन पर बोझ पड़ता है, ना जानिए वो कितना भारी अमल है। इस बोझ को हल्का करने के लिए दरमियान में ये जुमला इतराज़ लाया गया है कि हम किसी नफ्स पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालते, बल्कि इस्लाह मुआशरा के ज़िमन में अफराद व अक्वाम अपनी अपनी वसत के मुताबिक पूरी दयानतदारी के साथ जो इस्लाही काम करेंगे वो अल्लाह ताला के हाँ मकबूल होंगे। तो इस तरह जुमला मुतर्जा, ये मुतर्जा से मरा जिस पर इतराज़ किया जा सकता है, को अलग करके तकदीर कलाम ये है, वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात उलाइका असहाबुल जन्नते हुम फीहा खालिदून। चुनाचे अपनी अपनी वसत के मुताबिक दयानत व अमानत की बुनियाद पर इस्लाही अमाल बजा लाने वालों मोमिनों के मुआशरा का ये नक्शा पेश किया गया है, जो आगे आयत 7:43 में आ रही है। व नज़ाना माफ़ी सुदूरहिम मिन गिल्लिन तजरी मिन तहत अलानहारो वकालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलुन रुसुलु रब्बिना बिलहक्के वनूदू अन तिलकुमुल जन्नतो ऊरिस्तु मुहा बिमा कुंतुम तामलून। 7:43। इसका मफहूम, हम उन ऐसे मतवाजन मुआशरा के अफराद के जहनों में से हर किस्म की बाहमी रंजिश मतलब नाराज़गी खारिज हुई हुई पाते हैं, क्योंकि उन सब के मतायद ज़रूरियात ज़िंदगी की नहरें बहती हुई हैं। वो कहते हैं कि सब तारीफ़ें अच्छी अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने हमें इस जन्नती मुआशरा की रहनुमाई फरमाई है, हालांकि अगर वो हमारी रहनुमाई ना करता तो हम इस राह को ना पाते। बेशक हमारे रब यानी हमारे परवरदगार के रसूल सच्ची किताब लाते रहे थे और वो हाल निदा दिए जाते हैं और वो इस वक्त बुलाए जाते हैं कि ये है जन्नत, ये है वो जन्नत जिसके तुम उन अमलों की बदौलत वारिस किए गए हो जो तुम अंजाम देते रहे हो, यानी जो तुमने काम किए ये उसका बदला है, उसका अंजाम है। तो सामईन इकराम, इस आयत मजीदा में दुनियावी जन्नत यानी मुसावी और मतवाजी मुआशरा का ये निशान बताया गया है कि इसमें हर फर्द मुआशरा के हाँ ज़रूरियात ज़िंदगी की इस कदर फरवानी होती है, गोया
उन सब के मतहत उनकी नहरें बह रही होती हैं और उस मतवाजन निज़ाम की बदौलत अफराद माशरा में बाहमी शक्कर रंजी यानी आपस में जो नाराज़गियाँ होती हैं उसका नामो निशान तक मौजूद नहीं रहता। ये नमूना है उखरवी जन्नत का। तो सिलसिला दर्स की अगली आयत मजीदा का रबत जो है आयत नंबर 38 से 40 के साथ है जिनमें उखरवी जन्नत और जहन्नम का ज़िक्र है। प्लीज़ अगली आयत मजीदा में जो ज़िक्र आएगा वो इंशाल्लाह हम अगले दर्स में पेश करेंगे। आज के लिए इतना ही। वमा अलैना इल्लल बलाग फी अमानिल्लाह।